हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एगलेस वनीला केक। और उसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स लेने हैं हमें। तो सबसे पहले हम लेते हैं, हम 3/4 कप सूजी लेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ी मोटी सूजी है, इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। अभी ये ग्राइंड हो गई है, इसको हम अब छान लेंगे जिससे कि कोई लम्ब्स ना रह जाए। अब ये सूजी हमने छान ली है, इसमें हम मिलाएंगे मैदा। ये हमने 1 कप मैदा लिया है। मैदे में हमने डाला है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1 फोर टीस्पून बेकिंग सोडा। इन तीनों को हम आपस में मिक्स करते हुए इसको छानेंगे जिससे कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये हमारा ड्राई बैटर जो है वो तैयार हो गया है। अब अभी हमने पाउडर्ड शुगर ले लिया है, ये हमने 1.5 कप पाउडर शुगर लिया है। इसमें हम 1 कप फ्रेश कर्ड, ये घर का ही दही है, इसको मिक्स करेंगे। इसमें हम 1/2 कप रिफाइंड ऑयल डालेंगे और ये तीनों को हम मिक्स करेंगे अब हैंड ब्लेंडर से। मैं यहाँ पे हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, आप स्पून भी यूज़ कर सकते हैं इनकेस आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो। अभी हम इसे मिक्स करेंगे एटलीस्ट फॉर 5 से 10 मिनट्स, जब तक कि अच्छे से मिक्स नहीं जाता और इसमें बबल्स आ जाएंगे। आप देखोगे कि धीरे धीरे बबल्स आने लगेंगे जब ये मिक्स होगा। अभी हमें इसे 2-3 मिनट और मिक्स करेंगे, अच्छे से ब्लेंड करना है। और ये देखिए, अभी हमारा अच्छे से ब्लेंड हो गया है, काफ़ी सारे बबल्स आ गए, हमारा ये बैग जो बैठा है ये रेडी है। अभी हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाना है, बट उससे पहले हम मिलाएंगे इसमें, डालेंगे हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वेनिला एसेंस। उसके बाद हम इसमें अब ये जो हमारे ड्राई बैटर हमने साइड में रखा था इसको हम ऐड करेंगे। ये हमने 1/2 ऐड किया है, इसको हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने बाकी भी बचा हुआ ऐड कर दिया है, लेकिन सिंस ये थिक हो जाएगा, अभी हमें इसमें मिल्क डालना है। तो हमने यहाँ पे 1/4 कप मिल्क लिया है, ये हम मिल्क डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे इस बैटर को ब्लेंडर से मिक्स कर लेंगे जब तक कि अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता, और इसे एक ही डायरेक्शन मिक्स करना है। अब हमारा ये बैटर ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें हमें लेमन डालना है, हम इसमें 1/2 टीस्पून लेमन डालेंगे, लेमन जूस। तो ये हमने लेमन जूस डाल लेना है और उसके बाद इसे मिक्स कर देना है। अभी हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी है, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लो। इनकेस आपको थिक लगे तो आप मिल्क ऐड कर सकते हो। ये हमने बेकिंग टिन लिया है, ये हमें एल्युमिनियम टिन लेना है कन्वेक्शन बेकिंग के लिए। इसमें हम घी डालेंगे, बटर भी डाल सकते हैं आप या ऑयल भी डाल सकते हैं ग्रीसिंग के लिए। इसे हम ग्रीस कर लेंगे, ये हमने ग्रीस कर लिया है। अब इसके ऊपर हम मैदा डस्ट करेंगे जिससे कि हमारा केक चिपकेगा नहीं। तो हम इसमें थोड़ा सा लेंगे मैदा और इसको अच्छे से दोनों हाथों के हेल्प से इसको डस्ट करेंगे। तो ये हमारा पूरे में डस्ट हो चुका है मैदा, और अब हम इसमें बैटर डाल देंगे हमारा। ये हमने बैटर डाल दिया है। अभी इस टिन को हमें थोड़ा सा टैप करना है 2-3 बार, जिससे कि इसमें अगर एक्स्ट्रा एयर बबल्स होंगे तो वो निकल जाएंगे। और अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में रख देंगे। हमने प्री हीट ऑलरेडी कर चुका है ओवन। प्री हीट आपको 180 डिग्री पे करना है और बेक भी आपको 180 डिग्री पे करना है। ये हमारा कन्वेक्शन ओवन है, कन्वेक्शन माइक्रोवेव है। तो माइक्रोवेव में आप कन्वेक्शन मोड सेलेक्ट करिए, उसमें आपका डिजायर्ड टेम्परेचर डेट इज़ 180 डिग्री सेलेक्ट करिए, और उसमें फिर टाइमिंग आपको देना है। हम इसमें 40 मिनट्स टाइमिंग दे रहे हैं। ये आपका 35 मिनट्स में भी बन सकता है, 30 मिनट्स में भी। तो आपको 30 मिनट्स बाद ये चेक करना है टूथपिक डाल के। ये हमने केक रख दिया है बेक होने, एंड लेट्स सी कैसा बेक होता है हमारा केक। ये 40 मिनट्स के लिए रखा है हमने। तो अभी 40 मिनट्स हमारे हो गए हैं, हमने केक देखा है टूथपिक से बिल्कुल ठीक है, एंड ये हमारा केक रेडी है आपके सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।